नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। अक्षय कुमार की पहली हीरोइन ने अब अक्षय कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि अक्षय कुमार पर धोखा देने का आरोप लगा है। अक्षय कुमार पर कई गंभीर आरोप इस एक्ट्रेस ने लगाए हैं। आपको बता दें इस एक्ट्रेस का नाम है शांति प्रिया। अक्षय कुमार की पहली हीरोइन शांति प्रिया ने कई बड़े दावे किए हैं और ये बताया है कि कैसे अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया। दरअसल उन्होंने बॉलीवुड में वापसी के लिए सुपरस्टार को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके ऊपर शांति प्रिया ने कई बड़े खुलासे किए, जिसे सुन करके अक्षय कुमार के फैंस भी काफी हैरान हो जाएंगे। शांति प्रिया लगातार खुलासे करते हुए कहती हैं, मैं अक्षय कुमार से हॉलीडे के सेट पर मिली थी। जब मैंने उन्हें अपने कमबैक के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अब पहले जैसे हीरोइन बनना संभव नहीं है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। मैंने अक्षय से पूछा कि जब आप हीरो बन सकते हैं तो फिर मैं हीरोइन क्यों नहीं बन सकती। ऐसे में अक्षय ने कहा कि इंडस्ट्री शादीशुदा महिला और पुरुष को एक जैसा नहीं देखती है। शांति प्रिया चौंक गई। उन्होंने एक इंटरव्यू की बातचीत में आगे बताया कि एक दिन अक्षय की सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था और तुरंत एक फिल्म के लिए तस्वीरें मांगी थी। मैंने तस्वीरें दे दी, लेकिन उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने कई बार अक्षय को संपर्क किया, मैंने कई बार फोन किए, मैसेजेस किए, लेकिन अक्षय की ओर से इसका कोई भी जवाब नहीं आया, जबकि मैसेजेस उन्होंने देख लिए थे। मेरी माँ अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन थी, वो उन्हें पसंद करती थी, लेकिन जब से ये हुआ तब से मेरी माँ ने अक्षय को फोन ना करने की सलाह दी। जब अक्षय कुमार कुछ भी नहीं थे तब मैंने उन्हें अपना हीरो बनाने के लिए तैयार किया था, लेकिन अब जब उनको मदद करने का मौका आया तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। बता दें कि ये शांति प्रिया ने ये बड़े चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिसमें धोखा देने का आरोप लगाया है। शांति प्रिया सौगंध में अक्षय कुमार की हीरोइन बनी थी। अक्षय कुमार और शांति प्रिया दोनों की ही ये पहली फिल्म थी, लेकिन शांति प्रिया ने इससे पहले साउथ में लगभग 25 फिल्मों में काम किया था। 1992 के बाद सिद्धार्थ रे के साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। साल 2004 में सिद्धार्थ का निधन हो गया और सिद्धार्थ और शांति प्रिया के फिलहाल दो बच्चे हैं। बता दें कि साल 2008 में टीवी शो माता की चौकी से उन्होंने वापसी की थी, हालांकि उसके बाद लंबे समय तक टेलीविजन से भी गायब रही। साल 2022 में उन्होंने धारावी बैंक के साथ वापसी की, जिसमें सुनील शेट्टी लीड रोल में थे।